नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। मेहरमा थाना क्षेत्र के भनोदा गांव निवासी बासुकी पासवान की पुत्री आशा देवी की सुबह चाकू गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। महिला 4 बजे सुबह जब शौच के लिए घर से बाहर गई, परंतु देर सुबह घर वापस नहीं आने की वजह से जब परिजन खोजबीन करने लगे तो पता चला कि गांव से बाहर खेत में एक महिला मृत पड़ी है। जानकारी मिलते ही महिला के पिता बासुकी पासवान घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने अपनी पुत्री आशा देवी के रूप में उसे पहचान लिया। मामले की जानकारी मेहरमा थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पल्लवी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। तत्पश्चात सूचना मिलने पर महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिव शंकर तिवारी, अंचलाधिकारी सुनील कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे। जानकारी जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे भीड़ की तादाद भी बढ़ गई। वहां पर मातम सा छा गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। गोड्डा से सुमन सिंह की रिपोर्ट। लोकल मेहरमा बनोदा की एक लेडी थी, नाम था आशा देवी, इनकी हत्या कर दी गई है। डेड बॉडी देखने से लगता है कि चाकू मारा गया। हम लोग हत्या का पता लगा रहे हैं और उसको पता लगा कर निश्चित रूप से 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार करेंगे। तो कहाँ का आरोपी है सर? ये अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में रखे हैं।